गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे करंट अफेयर ऑफ 26 एंड 27 नवंबर 2022। तो करते हैं स्टार्ट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? ये 25 नवंबर को त्रिपुरा में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? ये त्रिपुरा में। राखी कपूर ने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। किसने लिए? ये अनवर इब्राहिम ने। कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में? मलेशिया के। 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी। राजेंद्र पवार को FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। AICTE के नए अध्यक्ष TG सीताराम नियुक्त हुए। ओलिव रिडले समुद्री कछुए ओडिशा के समुद्री तट पर देखे गए। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा कौन? उदयपुर। CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना है मुंबई। मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ई गवर्नर्स पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा। प्रशांत वाघ को एशियाज इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया। वसुंधरा दोरे स्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।